तो हेलो गाइस, तो मैं यहाँ पे सीधा आ ही पाता हूँ कि मैं इसको पूरे मैच में दो बार ढूंढूंगा तो फिर भी एक बोलता है कि तुम ओपन में नहीं आते हो, ओपन में नहीं आते हो। भाई मैं ओपन में आके करूँगा क्या है। तो यहाँ पे मैं जैसे खड़े होता हूँ तो ये वहाँ से यहाँ से नीचे निकल आते हैं, यहाँ से इनको फिर मैं इनको फिनिश कर देता हूँ। बस इनको फिनिश नहीं कर पाता, मैं खुद फिनिश हो जाता हूँ। क्योंकि देखो अब मैंने देख लिया है कि वो बंदा वहाँ पे बैठा है, मैं यहाँ पे पूरा फ्री फायर देने की कोशिश करता हूँ, बस एक एम का इतना रिकॉर्ड है तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। वहाँ से मुझे पता है वो वहाँ पे है और वो वहाँ से हटा नहीं है। देखो मैंने यहाँ से इसको मार दिया, क्योंकि भाई जब देखो बंदा स्पॉन होता है तो उसके पास फुल हेल्थ होती है, और जब तुमसे फाइट करके जाते हो तो वहीं पर बैठे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अपनी लोकेशन तो तुम्हें चेंज करनी चाहिए कि नहीं चेंज चाहिए। तो इस वाली वीडियो में आप लोगों को इसकी सारी गलती बताने वाला हूँ। देखो मैं यहाँ पे आ ही पाता हूँ कि तब तक ये मासे पूरा घूम के आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा मैंने डैमेज दे दिया है तो ये मासे पीछे की तरफ जाने लग रहे हैं, पीछे की तरफ जाने लग रहे हैं। यहाँ पर भी देखो ये पीछे की तरफ भाग रहे हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा अच्छा सा जगल दिया है, निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि मैं ही मरूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको पूरा फ्री फायर देके मारने की कोशिश करता हूँ तब तक एक ही एम मेरी रिलोड पे आती है। तो मैं एक ही एम रिलोड करता हूँ, मैं सोचता हूँ शायद फायर रेट नीचे ना है तो मैं यहाँ पे मर जाता हूँ नीचे लेट के। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो बार मर गया मैं, मेरे अभी 5 किल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई यहाँ है या नहीं है, तो मैं यहाँ से पीछे की तरफ भागता हूँ, क्योंकि बंदा वहाँ से स्पॉन होकर आ रहा है और मेरी हेल्थ कम है, क्योंकि हेल्थ कम है और बेस्ट में डैमेज डैमेज हो जाती है शुरू में। तो क्या होता है, अब देखो मैं यहाँ पे खड़ा ही हुआ पा रहा था तब तक ये फिर आ गए, तो इनको फिर मैंने मार दिया। तो क्योंकि अब मैं आगे थोड़ी ना जाऊंगा भाई, है अगर जाऊंगा आगे लेकिन यहाँ से देख के जाऊंगा ना कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो। तुम क्या सोचते हो कि मैं फिर मतलब पूरा घूम, अब ये देख नहीं रहे, देखो सामने भागे जा रहे हैं और मेरे को पीछे देखेंगे, क्योंकि फुटस्टेप भी नाम की भी एक चीज़ होती है। इसीलिए तो कहते हैं भाई यूज़ हेडफोन अच्छी यूज़ किया करो, लेकिन मैंने नहीं पेल पाया, इन्होंने मुझे पेल लिया। क्योंकि मेरा पिंग भी थोड़ा सा इशू चल रहा था, क्योंकि मैं घर पर था तो पिंग थोड़ा सा मेरा हाई चल रहा था। मैंने यहाँ पर M4 लगाई, क्योंकि M4 का स्प्रे की बात ही कुछ अलग है, एक बार में बंदा खत्म हो जाता है। AKM का हेडफोन मैं देखता हूँ, क्योंकि यहाँ से अगली बार मैच में ये चढ़े थे तो यहाँ पर मैं देखने लग देता हूँ कि भाई ये कहाँ से आ रहे हैं। तो भाई कम से कम हम देखेंगे तो यार तुम कहाँ से आ रहे हो कहाँ से नहीं, क्योंकि एक बंदा खेल रहा है, दिखते तुम हो नहीं। अब देखो मैं पूरी लॉबी में इनके में घूम रहा हूँ, इनको ढूंढ रहा हूँ कि भाई तुम कहाँ हो, मिल नहीं रहे हो मेरे को, है ना। तो अभी मैं पूरी लॉबी में घूम रहा हूँ, अभी देखो इधर भी इनको देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, बट ये दिख ही नहीं रहे। अब देखो कहीं कहाँ हो सकते हैं ये, कुछ पता नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये मिल गए, इनको भी मार दिया। ये क्या ये सोच रहे थे कि ये छुपे नहीं थे क्या, ये भी छुपे हुए थे। तो ऐसा नहीं होता है भैया, तुमको देख के खेलना पड़ता है कि अगर 1v1 कर रहे हो तो तुमको देख के खेलना पड़ता है कि बंदा कहाँ है। अब देखो ये पूरा रोटेट करके ऊपर से आके कूद के मेरे को मारा है, कोई बात नहीं। अब देखो वो वहीं पर है इस टाइम, ठीक है, यहाँ से अभी गए नहीं है, क्योंकि अब मैं स्पॉन होके आया हूँ तो मुझे लोकेशन तो तुम्हारी पता है कि तुम कहाँ पे हो, अभी तुम वहीं पर हो। लेकिन जब मैं नेट फेंकता हूँ तो वो वहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि मैं नेट थोड़ा जल्दी फेंक देता हूँ, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ से खड़े होकर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी रिच है आपको अगर दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर ये फिर आ जाते हैं। देखो ये आगे की तरफ भगया जाएंगे, फुट नहीं दिखाई दे रहा कि मैं कहाँ से फुट इनको आ रहा हूँ, क्योंकि मैं ऊपर से भी इनको थोड़ा सा डैमेज दिया था, है ना। तो ये नीचे भी कूद जाते हैं, देखो यहाँ पर इनको मार देते हैं, ठीक है। क्योंकि अब तुम पूरा तरीके से डैमेज हो चुके हो तो भाई तुम फाइट लेने आई क्यों रहे हो, कि तुम पीछे जाना चाहिए ना, कि अब तुम पूरे तरीके से डैमेज हो चुके हो जब तक तुम्हारी हेल्थ नहीं पूरी आ जाती है। लेकिन इन लोगों को कौन समझाने के लिए, बस इतना ईगो भरा पड़ा है कि बोलते तुमको ठीक। अब देखो मैं यहाँ पे खड़ा ही हो पाया जब तक ये रोटेट करके फिर आ गए, और सामने पड़ जाएंगे तो मर ही जाएंगे। तो भाई इनको कौन समझाया यार, कम से कम या तो मुझे बुलाओ। मैं यहाँ पे अब इनको मार दिया था मैंने, तो मैं यहाँ पे देख ही आता कि भाई देखो सामने ये पड़ गए हैं, और यहाँ से जंप करके उनको एयर में यहाँ पे टपका देते हैं। क्योंकि भाई तुम छुप के आना चाहिए ना, तो ओपन में क्यों आ रहे हो, यहाँ से इधर देख ही आता तब तक ये यहाँ से भी आ जाते हैं, इनको भी यहाँ से भी टपका देते हैं। बट यार मैं इनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बस मैं इनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि यार कम से कम दूसरे की पावर और अपनी पावर में थोड़ा सा अंतर समझें, और व्हाट्सएप पे बोला भला ना बोलें। अब देखो ये कहाँ देख रहे हैं, देखो मैं इनको पीछे से फायर मार रहा हूँ और देखिए ये देख नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या है। और कहते हैं कि हाँ मैं इतना मूवमेंट देता हूँ और ये करता हूँ और वो करता हूँ। भाई मैंने यार मैं तो मजबूरी में इस वाली वीडियो में वॉइस डालने की कोशिश करता हूँ, और मैंने देखो सामने से ये नेट फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, और देखो उनको पता नहीं है कि मैं वहीं पर खड़ा हूँ, और मैंने पूरा इनको डैमेज कर दिया। अब डैमेज कर दिया तो मैं रस भी करूँगा, ठीक है। तो मैं रस निकलने के लिए आता हूँ, और ये देखो यहीं पर टप मिल जाती है मुझे। अब इतना डैमेज हो गया तो अब तुम पिट तो वो ऑटोमेटिकली ही जाओगे, है ना। तो कोई बात नहीं, इनको यहाँ पर भी मार देते हैं। तो अब जब मैं डैमेज हो चुका हूँ, देखो आप लोग देख सकते हो मेरी बेस्ट पूरी डैमेज है, और मैं अब देखो इधर से ही आ जाते हैं, मेरी पूरी बेस्ट डैमेज है तो मैं बच ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि देखो जब आपकी बेस्ट और हेलमेट डैमेज हो जाता है तो आपको छुप के ऑटोमेटिकली खेलना पड़ता है। अब ये थोड़ी ना होता है कि मैं अगर मेरी बेस्ट डैमेज है तो मैं खुल के खेलूंगा, ये थोड़ी ना होता है।
है ना, अगर मैं एक बार स्पॉन हो जाता हूँ तो हाँ मैं खुद के खेलने की कोशिश करता हूँ। अब मैं वहाँ पे देख लेता हूँ, अब इनकी लोकेशन बदल गई है, जब मार देते हैं तो मुझे नेट कैंसिल करना पड़ता है। अब मैं इसको देखूंगा कि कहाँ है। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब कि फुट कॉपी करूंगा कि किधर से आ रहे हैं और फुट नहीं भी कॉपी करूँ। अब देखो अपनी लॉबी में भाग गए हैं दोबारा से, अब मैं उनको देख लिया उधर साइड, अब देखो देख नहीं रहे हैं अभी भी मुझको, ये देखो बिल्कुल भी देख नहीं रहे। निकल मार दिया वो अलग बात है, एक अलग इश्यू है, मेरी 134 की पिंग आ रही है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे स्पॉन हो गया दोबारा, देखो अभी यहाँ से जा ही नहीं पाए, अब डैमेज कर दिया तो मैं रेस्ट करूँगा ऑटोमेटिकली। देखो इन्होंने मुझे मारा, ठीक है कोई बात नहीं, बस तुमको अपनी लॉबी में तो वापस जाना चाहिए मार के, अगर नहीं जाओगे तो मैं दोबारा से स्पॉन हो जाऊंगा और तुम्हारी हेलमेट और बेस्ट भी डैमेज है और तुम्हारी हेल्थ भी कम है तो मैं तुम्हें दोबारा से मार दूंगा। तो ये थोड़ी सी माइंड सेट होता है गेम खेलने का, तब ये रोटेट करके फिर आ जाते हैं तो इनको फिर मुझे भरना पड़ता है, फिर भर जाते हैं। बस ये गेम खेलने का टाइम पे यही माइंडसेट होना चाहिए भाई कि आपको बच के खेलना है। अब देखो मेरी आप लोग है बेस्ट देख सकते हैं, मेरी बेस्ट बिल्कुल डैमेज है, ठीक है तो मैं इनके सामने क्यों जाऊंगा, मैं जब तक पीछे अपनी लॉबी में आता ही जब तक ये सामने फिर पड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा यार देखो गेम खेलने के ट्रिक्स सीखो कैसे गेम खेला जाता है, और रूम का मतलब वो नहीं। अब देखो मैं पता है इनको कि मैं वहीं पे हूँ तो फिर भी सामने पड़ जाते हैं और यहाँ पे लेट जाते हैं, थोड़ा मेरा एम डगमगा जाता है। निकल मुझे पता है कि अब टाइम खत्म होने वाला है तो मैं एक एम से थोड़ा फ्री फायर देता हूँ, बस नहीं मरते। देखो अब इस वाले मैच में भी ये हो सकता था कि अब तुम पीछे आते उसको हेल्प पूरी करके आते। सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।